इसका सिंटैक्स क्या है, हम जे क्यू का सिंटैक्स लिखते हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही हम लिखेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग होगा, ठीक है, और इस टैग के अंदर ही हम इसका सिंटैक्स लिखेंगे। हमारे पास सिंटैक्स क्या है, हम सबसे पहले डॉलर साइन डालेंगे, ठीक है। उससे पहले हमने क्या लिखना है, इसको स्टार्ट करने से पहले डॉलर साइन, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन और फंक्शन ब्रैकेट, और फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन भी आता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हमारे पास जो सिंटैक्स है डॉलर साइन, फिर यहाँ पे हम कोई सिलेक्टर लिखते हैं, ठीक है। अब सिलेक्टर कौन कौन से हैं, सिलेक्टर है आप क्लास ले सकते हैं, क्लास जो HTML की एट्रीब्यूट है, क्लास उसका नाम, और ID का नाम जो HTML का एट्रीब्यूट ID है उसका नाम, और टैग का नाम, ये तीन टाइप के सिलेक्टर्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वो सिलेक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद डॉट करके एक्शन, ठीक है, और एक्शन कर ली ब्रैकेट। तो ये हमारे पास jQuery का सिंटैक्स है, ठीक है, कि jQuery हम लिखते किस तरह हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरे पास div है, ठीक है, मैं इसको करता हूँ, ये मेरे पास div है, और इसके ऊपर मैंने jQuery परफॉर्म करनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं ये करता हूँ कि ये वाली जो div है ना, ठीक है, ये हाइड हो, यानी कि मैं जैसे अब यहाँ पे मैं सेव करके इस कोड को मैं रन करता हूँ, ठीक है, ब्राउज़र है ये, और यहाँ से मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट, गो टू वेब स्टोर। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहीं से रन करना ना, तो कह रहा है कि इसके लिए आप एक्सटेंशन ऐड करो, ठीक है। एक्सटेंशन यहाँ से वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे, और यहाँ से मैं एक्सटेंशन को ऐड कर लेता हूँ, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, और यहाँ पे मेरे पास ऐड फायरफॉक्स में भी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा फायरफॉक्स के अंदर खुद ही, गूगल क्रोम में, हाँ फायरफॉक्स के अंदर भी वो आपको, या यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ से आप ब्राउज़र चेंज करोगे, ठीक है, और यहाँ से आप रन करोगे, ये डायरेक्टली रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछेगा वो क्रोम के लिए ना, उसकी एक्सटेंशन ले लेता है, फायरफॉक्स के लिए नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें अगर आपने वो वाली एक्सटेंशन ऐड करनी है तो इसमें आपने अलग से सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रोम के अंदर ये है एक्सटेंशन है, ऐड हो गई है मेरे पास, ये ऐड हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ क्रोम के अंदर, और यहाँ से मैं रन प्रोजेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास हो गया, और ये कह रहे हैं एडमिन कनेक्टर इज डिबगिंग दिस ब्राउज़र, तो ये जो ये है आपका ब्राउज़र, अब ये एक्सटेंशन डिबग कर रहे हैं एडमिन के थ्रू, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है, ठीक है। अब ये है, अब यहाँ पे मैं कोई चेंजिंग करूँगा ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे चेंजिंग करूँगा, कुछ भी लिखूँगा, ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे सेव हो गया, रिफ्रेश नहीं किया पेज को, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सटेंशन के थ्रू ये खुद ही पेज ब्राउज हो रहा है। अब मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, इस तरह कर दो ना, ये कर दो, ठीक है, और इसको इस तरह कर लो, और ये कर लो, ठीक है। यहाँ पे चेंज करो, सेव करो, ये ठीक है, खुद ही चेंज होता जा रहा है, तो ये एक्सटेंशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है, ये वाली जो एक्सटेंशन ऐड की है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज क्या करता हूँ, इस डिव को मैं एक आईडी देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आईडी के थ्रू इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि इसका आईडी मेरे पास है, मैं इसको हाइड डिव करता हूँ, ठीक है, हाइड डिव, ठीक है, हाइड डिव एक आईडी मैंने ले ली है, ठीक है। अब मैं इस आईडी को यहाँ पे jQuery में यूज़ करता हूँ, यहाँ सेलेक्टर है, तो सेलेक्टर की जगह पे मैंने यहाँ पे डबल कोट के अंदर ये सेलेक्टर लेना है, और आईडी के लिए हैश साइन, ठीक है, हैश साइन आईडी के लिए यूज़ करते हैं, और सेलेक्टर का नाम लिया हमने, सेलेक्टर का नाम क्या है, आईडी, ठीक है,
और एक्शन मैंने इसके ऊपर करना है कि ये हाइड हो। जैसे ही मेरा कोड रन हो ना, ठीक है, तो ये क्या हो, हाइड हो। ठीक है, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, अभी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि यहाँ पर मेरे पास जे क्यूरी काम नहीं कर रही होगी। अगर मैंने चेक करना कि जे क्यूरी काम नहीं कर रही, तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाता हूँ। इंस्पेक्ट में जाके मैं कंसोल में चेक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है कि एनकैश रेफरेंस जे क्यूरी इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, जे क्यूरी इज़ नॉट डिफाइंड और डॉलर साइन इज़ नॉट डिफाइंड, ये सारा एरर आ रहा है। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ कि जे क्यूरी क्यों डिफाइंड नहीं है, या फंक्शन देख लेता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन मेरे पास सही है। यहाँ पे हम एक इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है, ठीक है, और जिस तरह मैंने लिखा हुआ है इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन्हें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले डॉलर साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ठीक है, इन्होंने पहले क्या किया हुआ है, डॉलर साइन, ठीक है, डॉक्यूमेंट, फिर डॉट रेडी। ठीक है, और इसके अंदर फिर फंक्शन इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, फंक्शन, और फिर फंक्शन के अंदर ये सारा हर चीज़ परफॉर्म हुई है। ठीक है, सेव किया, अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे परफॉर्म हुआ नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे वो जे क्यूरी जो फाइलिंग है ना, ये वाली फाइलिंग, ठीक है, ये अब सही तरह काम नहीं कर रही है। देख लेते हैं क्यों नहीं काम कर रही है। पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे ये लिंक भी हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करता हूँ, और ये मेरे पास लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, ये आ रही है मेरे पास फाइल। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी आ रही है। इस पर क्लिक करता हूँ, ये फाइल भी मेरे पास आ रही है, और इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये फाइल भी आनी चाहिए मेरे पास, आ रही है। ठीक है, अब ये लिंक मेरे पास ठीक लगे हुए हैं। इसमें आप प्रॉब्लम देख लेते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कंसोल, अभी भी एरर आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी एरर है। तो फिर ये कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मैंने मेरे पास जो डेमो इन्होंने दिया हुआ है ना मुझे, ठीक है, ये जो डेमो इन्होंने मुझे दिया हुआ है, ये कहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था, और ये मेरे पास डेमो दिए हुए हैं, इसमें तो लिंक लगे हुए हैं ना, काम कर रही है जेक्वेरी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अकॉर्डिन वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये देख लेता हूँ, यहाँ पे एक CSS ये वाले लिंक है। ठीक है, जेक्वेरी UI.css ये है एक, और यहाँ पे बॉटम में लगा हुआ है, ये दो लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो लिंक लगा हुआ है एक्सटर्नल में जाके जेक्वेरी में, और जेक्वेरी में फिर jQuery.js वाली फाइल है। ठीक है, तो इन्होंने जो फाइल यूज़ की हुई है ना, जो मैंने एक्सट्रैक्ट की है, यहाँ पे मैंने JS के फोल्डर में मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे ये मेरे पास फोल्डर आया है, इस फोल्डर में ये इंडेक्स की फाइल है, और इस इंडेक्स की फाइल के ऊपर ये वाला jQuery का जो jQuery की फाइल है, ये लिंक हुई हुई है। ठीक है, अब ये jQuery की फाइल कहाँ पड़ी है, एक्सटर्नल में जाके jQuery में जाके jQuery.js। ठीक है, तो ये वाली फाइल मेरे पास पड़ी है एक्सटर्नल में जाके jQuery में जाके jQuery.js। ठीक है, तो ये वाली फाइल बेसिकली मैंने लिंक करनी है, इस वजह से वो कोड नहीं चल रहा। इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने जहाँ पे JS की वो बाकी फाइलें रखी हैं, ये 1 2 3 4 ये वाली फाइलें रखी हुई हैं, इसी के साथ ही वो भी रख लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी लिंक कर लेता हूँ, इसको मैं लिंक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास आई है फाइल JS के फोल्डर में jQuery.js। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ, मैंने लिंक किया, सेव किया, लेट्स सी, अब चेक करते हैं, तो मेरे पास अब फंक्शन परफॉर्म हो गया, वीडियो हाइड हो गई है, हाइड हो गई ना, डिव नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये डिव हाइड हो गई इसलिए क्योंकि वो jQuery की जो है ये वाली फाइल चल नहीं रही थी। ठीक है, थी नहीं यहाँ पे, तो इसलिए वो इस डॉलर साइन को और इस डॉलर साइन को वो एरर दे रहा था कि ये डॉलर साइन नॉट डिफाइंड है, और ये वाला फंक्शन जो है ये भी नॉट डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि उसके वो इसके अंदर डिफाइंड हुआ है। ठीक है, तो हम ये वाली फाइल भी हमें लिंक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली जो 1 2 फाइलें ये हैं और 3 फाइलें ये हैं, ये लिंक करनी है आपने। ठीक है, जेक्वेरी के लिए।
तो मैंने यहाँ पे तीन फाइलें लिंक की हैं और अब मैंने डिव को हाइड किया है जे क्यूरी के थ्रू। ठीक है, मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक बटन बनाऊँ, बटन पे क्लिक करूँ तो वो डिव हाइड हो तब। ठीक है, जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तब वो डिव हाइड हो, वैसे डिव हाइड ना हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, और बटन का मैं आईडी लिखता हूँ यही वाला, जो आईडी मैंने यहाँ पे रखा है डिव के लिए वही आईडी मैं इसके लिए रख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ से। उसके बाद क्या है, बटन का एक और एट्रीब्यूट है टाइप बटन। ठीक है, नेम हम रख लेते हैं हाइड डिव। ठीक है, और मैं इस बटन के टैग क्लोज करता हूँ। ठीक है, और इस बटन का मैं नाम रखता हूँ ठीक है क्लिक टू हाइड डिव, नज़र आ रहा है। अब ये जो डिव है, ये डिव मैंने हाइड करनी है, और इसका भी मैं एक आईडी रखता हूँ इसको डेव हाइड कर देते हैं। ठीक है, या ठीक है, इसको डेव हाइड कर दिया और इसको इसको हाइड डेव कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही हाइड डेव पे मैं क्लिक करूँ तो जो डेव हाइड है वो मेरे पास हाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, या इस डेव का मैं कंटेंट रख देता हूँ इंट्रो, इंट्रोडक्शन की जो मेरे पास डेव है ये हाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ डॉलर साइन जब ये डिव है। ठीक है, ये वाली डिव है, ये वाली जो बटन है, ठीक है, ये बटन है, इस बटन पर जब क्लिक हो, ठीक है, इस बटन पर जब क्लिक हो तो फिर क्या होना चाहिए। ठीक है, इस बटन पर जब मैं क्लिक करूं, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, इस बटन पर क्लिक करने से मेरे पास एक फंक्शन चले। ठीक है, एक फंक्शन चले, और इस फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए मुझे, मेरे पास के जो डॉलर साइन जो इंट्रोडक्शन वाली डिव है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली जो डिव है वो क्या हो जानी चाहिए, हाइड। ठीक है, हाइड हो जानी चाहिए। ठीक है, जो भी हम इवेंट करेंगे वो स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट में डालना जरूरी है। ठीक है, वो स्क्रिप्ट में लिखना ज़रूरी है, जो भी बॉडी में जो काम करेंगे, बॉडी के ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है ना, वो स्क्रिप्ट में हमने लिखना है। ठीक है, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, हाइड एक्शन है, क्लिक एक एक्शन है। ठीक है, और किसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, इन सेलेक्टर्स के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास वो डिव वापस आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू हाइड डिव, क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगी। ठीक है, क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगी। ठीक है, तो जेक्यूरी का ये है। अच्छा, जेक्यूरी की ये जो लैंग्वेज है ये होती उसके हेड के अंदर है। हेड के अंदर लिख लो, ये बेसिकली हम नहीं, लिखते हमने असल में सीएसएस में अलग से भी की थी ना, अलग से भी अलग से होती है, होती है। आप ये वाली जो जेक्यूरी खुद से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, इंटरनल भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, जिस तरह सीएसएस है उसी तरह लिख सकते हैं, उसी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये जो फाइल बनाई है ना, मैं यहाँ पे इसको एक खुद से भी फाइल बना सकता हूँ। मैं करता हूँ स्क्रिप्ट का टैग है src, सोर्स मैं देता हूँ js के अंदर, मेरे मैं अपने नाम से कोई फंक्शन बनाता हूँ, jQuery functions। ठीक है, मैंने अपने नाम से एक फाइल बना ली है jQuery functions के नाम से। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन .js रख दी है। ठीक है, और ये मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, और इसकी टाइप भी डिफाइन कर देता हूँ, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ठीक है,
स्टैक स्लैश जावास्क्रिप्ट। अब ये वाली फाइल मैंने बनानी है आप, ठीक है। इस फाइल को बनाने के लिए मैं जेएस के फोल्डर में जाऊंगा, जेएस के फोल्डर में जाके ये वाली फाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जेएस के फोल्डर में जाके राइट क्लिक करके न्यू और जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। और इसके नाम मैं रखता हूँ जेक्वेरी फंक्शंस डॉट जेएस फिनिश। तो ये मेरे पास फाइल बन गई है। अब जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैं कट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस वाले को ख़त्म कर, अब इसमें मेरे पास सिर्फ HTML का कोड है सारे का सारा। इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं लिखना, जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने यहाँ पे लिख, उसको लिंक कर दिया, लिंक कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश तो हुआ ऑटोमेटिकली, कनेक्टर चल रहा है ना ये, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा, हाइड हो गया, ठीक है, क्लिक किया हाइड हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे इसके कुछ और भी साथ हुए हैं, इसके पैरामीटर्स भी हैं, इस एन एक्शंस के पैरामीटर्स भी होते हैं। जैसे इस क्लिक के एक्शन का पैरामीटर ये पूरा फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा फंक्शन इसका पैरामीटर है। इसी तरह हाइट के अंदर भी इसका पैरामीटर होगा। इस हाइट को हम क्या कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि ये जो हाइड हो क्या हो, स्लो हाइड हो, क्लिक करो तो आस्ते आस्ते से हाइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश हो गया, क्लिक किया, ये स्लो हाइड होंगे, ठीक है, ये स्लो यानी कि पहले फास्ट थी, यहाँ पे क्लिक किया तो फ़ौरन हाइड हो जाता है, ठीक है। सेव किया, ये देखो फ़ौरन हाइड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें ये करते हैं स्लो, ठीक है, तो फिर ये ऐसे से हाइड, हम इसमें टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है, 300 मिली सेकेंड, ठीक है, इतने मिली सेकेंड के डिले से ये हाइड हो जाए, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया और सेव किया, इसको सेव करेंगे ना, 3000 मतलब 3000 लिख दो, 5000 लिख दो, 2000 लिख दो, 1000 लिख दो, मिली सेकेंड के हिसाब से ही होते हैं, ठीक है, सेकेंड नहीं मिली सेकेंड के हिसाब से। सेव किया, सेव किया मैंने, हाँ सेव किया, और इसको मैंने क्लिक किया, ये थोड़ा फास्ट हो गया, ठीक है। 5000 का तो ये बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो जेक्वेरी में हम ये इस तरह हाइड हमने करना तो हाइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 3000। अब मैं यहाँ पे एक और बटन बनाता हूँ, ठीक है, एक और बटन बनाता हूँ, क्लिक टू, ठीक है, जिस तरह हाइड है शो भी तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका आईडी रखता हूँ, ये नेम रख दिया मैंने शो और आईडी रख दिया शो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ना ये हाइड आईडी रखा हुआ है ना, तो ये नीचे येलो रंग की लाइन आ रही है, यहाँ पे ऊपर माउस लेके जाओ तो यहाँ पे कह रहा है कि डुप्लीकेट आईडी, नेट बीन्स बताता है कि डुप्लीकेट आईडी यहाँ पे हुआ है, क्योंकि आईडी तो हमेशा एक ही टैग को, एक ही एलिमेंट को एक ही आईडी असाइन होता है ना, क्योंकि आईडी यूनिक होता है, ठीक है, आईडी यूनिक होता है तो वो एक ही टाइम पे एक ही जो वो है एलिमेंट है उसको असाइन होता है आईडी, डिफरेंट एलिमेंट को सेम आईडी, हाँ क्लास होती तो फिर तो वो सेम सेम होता है, ठीक है। तो एक आईडी, आईडी के लिए तो यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट आईडी रखना है, ठीक है, शो सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ कि जब इस पे क्लिक करूँ तो वो जो डिव है, ये वाली डिव हाइट जो हुई है वो शो हो जाए, ठीक है। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, एक नया फिर जेक्वेरी लिखता हूँ, ये तो हाइट के लिए है ना, ठीक है। अब मैं शो के लिए लिखता हूँ, नीचे यहाँ पे डॉलर साइन, कौन सी डिव है, कौन सा बटन है, शो, सॉरी शो डिव, ठीक है, शो डिव के ऊपर जब मैं क्लिक करूँ, क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, फंक्शन चलना चाहिए एक, ठीक है, फंक्शन चलना चाहिए। और फंक्शन के अंदर क्या हो, फंक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, डॉलर साइन, कौन सी डिव, जो वो वाली डिव मैंने शो हाइट की हुई थी ना, हाइट कौन सी डिव की हुई है, उसका आईडी क्या है जिस डिव को मैंने हाइट किया हुआ है, यहाँ पे कौन सा आईडी है, आईडी कौन सा, किस नाम से, इंट्रोडक्शन के नाम से, यहाँ पे
इंट्रोडक्शन को मैंने क्या करना है, शो कर, ठीक है, शो कर। इसको मैं सेव करता हूँ, ये मैंने किया हाइड और ये मैंने किया शो, ठीक है। वो मैंने मिली सेकेंड दिया 3000, तो 1000 कर दो, ठीक है। इसको भी हम दे सकते हैं, इसको भी हम कहते हैं 1000, ठीक है, सेव। ये हाइड हो गया, ये शो हो गया, ये हाइड हो गया और ये शो, ठीक है। तो हम इस तरह हाइड एंड शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइड शो का हो गया, यहाँ पे ये सिंटैक्स आप देखो ना, यहाँ पे मैंने दो सिंटैक्स बताए थे ना, एक इस तरह भी कर सकते हो आप और एक इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। सेव, ये हाइड एंड ये शो, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखो और सार्ट फंक्शन लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, सेलेक्टर्स का पता चल गया, सेलेक्टर तीन टाइप के सेलेक्टर्स जो है मैंने आपको बताया वो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स वी क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस इंटर, माउस स्लीव, ये इसके इवेंट हैं। जैसे क्लिक है, क्लिक बताया अभी, क्लिक करेंगे तो फंक्शन चलेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये इस तरह, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। दिस भी हम यूज़ कर सकते हैं, दिस में हमारे पास पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट को हमने हाइड करना है। दिस मतलब ये वाला, ठीक है, पी। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये पी का टैग है, ठीक है। जैसे ही पी के टैग पे क्लिक हो तो पी का टैग जो है वो हाइड हो जाए, दिस, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे अगर लेट्स सपोज, इसको मैं कह दूँगा, लेट्स सपोज मेरे पास ये जो डिव है, ये शो डिव वाला बटन है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे ना दिस करूँगा ना, दिस करूँगा तो ये जो बटन है ये खुद ही हाइड हो जाएगा, बटन खुद ही हाइड हो जाएगा। यानी कि ये जो हाइड डिव वाला बटन है ना, क्योंकि मैंने इस बटन को हाइड किया, ठीक है, इस बटन पे जब क्लिक हो तो ये बटन जो है हाइड हो जाना चाहिए। सपोज, ठीक है, अब शो तो नहीं होगा ना, शो तो हमने डिव को शो कराया हुआ है, डो तो शो तो हमने किसको कराया हुआ, इसको कराया हुआ है ना, बटन को शो नहीं कराया ना, बटन हाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं तो वो इंट्रोडक्शन को ही हाइड करेगा, ठीक है। तो ये एक इवेंट है, जैसे देखो ना, यहाँ पे पी को क्लिक करो तो पी क्या कह रहा है कि इफ़ यू क्लिक ऑन मी आई विल डिसअपीयर, डिसअपीयर हो गया, क्लिक मी अवे, क्लिक मी टू, ठीक है। तो जैसे ही पी के टैग को क्लोज कर रहा हूँ, पी का टैग खुद ही हाइड हो रहा है, ठीक है। तो दिस यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डबल क्लिक है कि एक बार क्लिक नहीं करो, डबल क्लिक करो तब हाइड हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, डबल क्लिक, ठीक है, DBL डबल क्लिक, एक बार क्लिक से नहीं हुआ, ठीक है, एक बार क्लिक करने से नहीं हुआ, डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक का भी ये इवेंट है, इसको हम इवेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इवेंट क्लिक हो रहा है तो इवेंट एक का चल रहा है, ठीक है। तो ये इवेंट है और डबल क्लिक है, माउस इंटर, जैसे इसके ऊपर माउस आए तो क्या हो, जैसे ही माउस आए, ठीक है, माउस इंटर हो, ये देखो अलर्ट मैसेज आ गया, ठीक है, माउस जैसे ही इसके ऊपर आया अलर्ट मैसेज आ गया, ठीक है। जैसे अक्सर हम किसी एलिमेंट के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो कोई पॉप अप विंडो ओपन हो जाती है, कुछ ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ओपन हो जाए, जैसे वो है हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाए थे होवर के ऊपर, ठीक है, जैसे ही इन इसके ऊपर मेन्यू के ऊपर माउस लेके जाएं तो मेन्यू ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन हो जाए। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन कहीं पर बना हुआ है, ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, माउस इंटर, ठीक है। जैसे माउस इंटर हो तो ये जो UL बना हुआ है
यू यू एल क्या हो जाए, शो हो जाए, वैसे ही हाइड हो, ठीक है। तो माउस इंटर है, ठीक है, और माउस लीव है, जैसे ही माउस से छोटे वहाँ से वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। दिस पे दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। ये इसके पर ये माउस है ना, इससे माउस जैसे हटे फिर अलर्ट मैसेज आया, ठीक है। माउस इसके ऊपर, माउस इसके ऊपर है, माउस लीव अलर्ट मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे माउस लीव के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ मैं कहता हूँ माउस इंटर, जैसे ही इस हाइड बटन के ऊपर माउस आए तो ये जो इंट्रोडक्शन वाली लीव है हाइड हो जाए, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से माउस इंटर हो, ठीक है, तो ये वाली डिप फिर दोबारा शो हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्लिक नहीं किया, ये, ठीक है, समझ आ गई। तो ये कौन, ये सर माउस इंटर हो गया, माउस लीव हो गया, ये इसके प्रॉपर्टीज है क्या, इसको क्या नाम देंगे, किस इवेंट है पर, ये जो माउस इंटर हो गया, इसको इवेंट, ये इवेंट है ना, इवेंट है, हाँ इवेंट है, इवेंट ही पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो इवेंट ही है जे क्वेरी इवेंट के नाम से, ठीक है, ये ऊपर लिख रहा हूँ, ये लिखो, ठीक है, इवेंट्स हैं ये, ठीक है। माउस इंटर, माउस लीव, माउस स्लीव और माउस डाउन भी है, ठीक है, माउस डाउन है, माउस अप है, ठीक है, होवर है, होवर भी है ना, होवर भी इवेंट है। इसी तरह ये फोकस है, फोकस का है, ठीक है, जैसे इसके ऊपर फोकस हो, जैसे ही पेज लोड हो, फोकस हो गया ना, ठीक है, तो वहाँ पे ये कॉल हो जाएगा। यहाँ पे जैसे माउस माउस डाउन है, ठीक है, इसको देख लो, तो ये इसके ऊपर भी क्लिक किया था भाई, माउस डाउन और माउस माउस डाउन और क्लिक ऑलमोस्ट एक ही है तकरीबन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ऑन माउस डाउन मेथड अटैच इवेंट हैंडलर फंक्शन टू एन एचटीएमएल, दिस फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द लेफ्ट मिडल और राइट माउस डाउन माउस बटन लेफ्ट राइट और मिडल माउस बटन इज प्रेस्ड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे तब ये ऑन होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे माउस अप है, ठीक है, वो भी यही चीज़ है, ठीक है। ये है माउस डाउन, जैसे क्लिक करेंगे, अभी क्लिक है तो वो शो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन माउस अप है, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक छोड़ेंगे तभी होगा, ठीक है, ये इसका मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है, होवर है, जैसे ही उसके ऊपर माउस लेके जाए वो, जैसे माउस इंटर है उसी तरह यहाँ पे इसके ऊपर माउस लेके जाए तो वो शो हो जाए, ठीक है। फोकस है, जैसे यहाँ पे इसको ट्राई करें तो फोकस है, तो ये इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, इस पर फोकस है तो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है ना, तो इसका कलर जिस पे फोकस हो वो कलर उसका चेंज हो जाए। देखो ना, इनपुट दिस, तो इसके ऊपर अच्छा, अगर हमने जेक्वेरी के थ्रू हमने किसी एलिमेंट को स्टाइल करना है, सीएसएस उसके ऊपर डिफाइन करनी है, जैसे ये डिव है इसके ऊपर मैं सीएसएस डिफाइन करता हूँ, ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक हो तो इसका जो इसके ऊपर बॉर्डर लग जाए और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है, और इसका फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो डिव हाइड है इसके मैं कर लेता हूँ स्टाइल डिव, ठीक है, मैं कह रहता हूँ कि इसको स्टाइल करूँ, इस डिव को स्टाइल करूँ, या मेक बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर इसके ऊपर, इस इनपुट फील्ड, इस एलिमेंट जो है डिव का एलिमेंट है इसके ऊपर बॉर्डर लगे, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको नाम रखता हूँ बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर कर देता हूँ, इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ मेक बॉर्डर, ठीक है। तो जब भी मैं मेक बॉर्डर के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो इस जो डिव का एलिमेंट है इसके ऊपर बॉर्डर लग जाए CSS के थ्रू, CSS, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और आप नीचे बनाता हूँ, अब हाइड डिव वाला तो ख़त्म हो गया ना, हाइड डिव वाला बटन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, मेक बॉर्डर वाला है, मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, कॉपी मेक बॉर्डर, ठीक है, मेक बॉर्डर के ऊपर जब क्लिक हो, ठीक है, मेक बॉर्डर के ऊपर जब क्लिक हो तो इंट्रोडक्शन वाली जो डिव है उसके साथ क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ होना चाहिए CSS, उसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। और CSS में हमने अगर एक ही प्रॉपर्टी देनी है तो हमने इसी के अंदर ही यहाँ पे डबल कोट करके लिखना है, जैसे ये एक ही प्रॉपर्टी दी हुई है ना, सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी देनी है तो मैं यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड 1px, ठीक है, ये मैंने एक ही प्रॉपर्टी दी है इसको, ठीक है, एक ही प्रॉपर्टी दी है बॉर्डर सॉलिड 1px, ठीक है। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी देनी है तो उसके लिए सिंटैक्स डिफरेंट है, सिंटैक्स डिफरेंट है उसका, है यही चीज़ CSS ही है, सिंटैक्स उसका डिफरेंट है, नहीं यही, हाँ इसी तरह ही, हाँ इसी तरह इसका सिंटैक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, इस डिव एलिमेंट को मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देनी है ना, इस डिव एलिमेंट को मल्टीपल प्रॉपर्टी देनी है तो उसके लिए सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होगा, एक ही एलिमेंट एक ही प्रॉपर्टी देनी है तो उसके लिए सिंटैक्स होगा एक ही तरह इसी तरह होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे ही मेक बॉर्डर वाले बटन के ऊपर क्लिक हो तो एक फंक्शन चले, जो फंक्शन क्या करे, डिव के ऊपर CSS अप्लाई करे, CSS में क्या है, बॉर्डर सॉलिड 1px, ठीक है। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है, बॉर्डर लग गया, ठीक है। अब ये मैंने एक ही प्रॉपर्टी दी, मैं ये कहता हूँ कि बॉर्डर भी लग जाए और इसका वो भी चेंज हो जाए, क्या कहते हैं, फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसमें एक मीनिंगफुल टेक्स्ट लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ अपना नाम, ठीक है, मैं मीनिंगफुल हूँ, यहाँ पे मुझे पता चला अभी लिखा हो गया। अब इसका मैंने फॉन्ट फैमिली भी चेंज करना है, बॉर्डर भी लगाना है, बॉर्डर लग गया, फॉन्ट फैमिली चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली भी अगर चेंज करना है, मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए सिंटैक्स है कर्ली ब्रैकेट डालनी है, ठीक है। और पहली प्रॉपर्टी जब दी है, ठीक है, तो उसके दरमियान आपने कॉलन डालना है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी दी है और उसकी वैल्यू, ठीक है। अगर दूसरी प्रॉपर्टी देनी है कॉमा, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है फॉन्ट डैश फैमिली, ठीक है, और इस फैमिली की फॉन्ट फैमिली वैल्यू है एरियल, ठीक है। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी देनी है तो कॉमा साइज फॉन्ट साइज और कॉलन साइज उसका, ठीक है, एक ही लाइन में दे दिए, एक ही लाइन में दे दो, मल्टीपल लाइन में दे दो, इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये किया ना, ये किया, ठीक है, ये करो, इस तरह भी करके दे सकते हो, ठीक है, मल्टीपल लाइन, लेकिन फाइल अलग अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, फाइल अलग से इसी तरह ही होगी, ठीक है। ये तो हम उस टाइम पे करते हैं ना जब हम कोई इवेंट कॉल कर रहे हैं, CSS ऑटोमेटिकली तो हुई हो, ठीक है, CSS तो हुई हो जब हमने, हम चाहते हैं कि हम किसी एक्शन के ऊपर कोई CSS चेंज करवाना चाह रहे हैं, किसी एक्शन के ऊपर हमने इसका फॉन्ट फैमिली साइज कलर शलर चेंज करना, वो तब हम इसमें इस तरीके से करते हैं, ठीक है, वैसे हम नहीं करते, ठीक है। तो ये जैसे ये है बॉर्डर और फॉन्ट फैमिली चेंज हो, ठीक है, इसमें पैडिंग देनी है तो पैडिंग भी दे दो, पैडिंग कॉलन 20px, सेव, ठीक है।
तो हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना हो तो तभी हम उसकी सीएसएस चेंज करते हैं, ठीक है, जिस किसी एक डिव बन एक डिव बन गया ना, ठीक है, समझ आ गई है ना कि हम किस सही है। इसको से रिफ्रेश करो, बॉर्डर दो, बॉर्डर और सारी सीएसएस हम इसको कहते हैं स्टाइल। ठीक है, से ये एक स्टाइल किए थे, स्टाइल हो गया, ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, अभी ये तो हो गया हमारे पास इवेंट फोकस का, जैसे हम मैंने आपको बताया, और फोकस के ऊपर हमने ये यूज़ किया, कलर चेंज किया, ब्लर भी है, ठीक है, ब्लर का भी इवेंट है, ठीक है, इसके ऊपर ब्लर किया, ब्लर का ये है, जैसे ही वहाँ से फोकस हटा तो फिर क्या होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये यूज़ नहीं करता ब्लर, ठीक है, ब्लर यूज़ नहीं करता, फोकस किया ना तो फोकस से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, जब इससे फोकस हटेगा तो फिर भी ये ग्रे ही रहेगा, फोकस हटा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्लिक किया फोकस हटा, रन नहीं किया इसको, ठीक है, ये फोकस हटा, कलर इसका चेंज हुआ, ये किया फोकस हटा चेंज हुआ। फोकस हटने से, फोकस हटाने के लिए हमने क्या करना है, ब्लर का इवेंट यूज़ करना है, ठीक है, ये ब्लर इनपुट फील्ड पे जब ब्लर हो तो फंक्शन चले, और फंक्शन में क्या हो कि सीएसएस में जो बैकग्राउंड कलर है ना इस इनपुट फील्ड का, वो ख़त्म हो जाए, वो वाइट हो जाए। रन किया, ये किया, इससे फोकस हटा, ठीक है, इससे फोकस हटा, ठीक है, जैसे ही फोकस हटेगा तो फिर क्या हो, ये बेसिकली जो ब्लर है ना ये एट्रीब्यूट भी है, इनपुट फील्ड का एट्रीब्यूट भी है, ठीक है, ब्लर फोकस भी इनपुट फील्ड का एट्रीब्यूट है, उसको हम एज ए सी एस एस यूज़ कर रहे हैं, एज ए जेक्वेरी एज ए मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो सी एस एस है, सी एस एस भी तो एट्रीब्यूट है ना, हम इनपुट फील्ड के अंदर ही टैग यूज़ करते हैं, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है, उस स्टाइल के एट्रीब्यूट को यूज़ करने की बजाय हम क्या करते हैं, यहाँ पर सी एस एस का एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, और मेथड डिफाइन करने के साथ ही हम इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी लिख देते हैं, ठीक है, वही काम हो रहा होता है, बस वो थोड़ा एनिमेशन एनिमेटेड हो रहा है, ठीक है ना, एनिमेटेड जैसे क्लिक किया तो तब, ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट इसी तरह ही है, ठीक है। ये इवेंट हो गए ब्लर, ठीक है, ऑन ऑन का भी इवेंट है, तो ये मल्टीपल इवेंट उसने कॉल किए हैं, ठीक है, यानी कि पी के अंदर फिर माउस इंटर, और माउस इंटर के अंदर में क्या है, मल्टीपल इवेंट भी कॉल हो जाते हैं ना, ठीक है, इसके ऊपर एक इवेंट ये है, दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट, तीन इवेंट इसने इकट्ठे कॉल किए हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, क्लिक हुआ येलो हो गया, क्योंकि क्लिक के ऊपर बैकग्राउंड कलर येलो दिए हुए, ठीक है, माउस लीव हुआ, लीव के ऊपर ब्लू लाइट, लाइट ब्लू, और माउस इंटर, जब इसके ऊपर माउस लेके जाए तो लाइट ग्रे हो जाए, लाइट ग्रे, क्लिक येलो, माउस लीव, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, ठीक है, तो ये तीन इवेंट इकट्ठे ही इसने कॉल किए हुए हैं, ठीक है, तो इस तरह हम इकट्ठे ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ आइए, ये इवेंट्स हैं। इसी तरह वो हाइड शो का आपको बता दिए, हाइड करना, शो करना, ये वही चीज़ है, ठीक है, किसी एलिमेंट, किसी डिव को आपने हाइड करना है तो हाइड, डिव को आपने, या एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को, सिर्फ डिव नहीं है, हर एलिमेंट को आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसने पी को किया हुआ, पैराग्राफ को, पैराग्राफ का ये टैग है, हमने तो अभी आई डी की नेम के थ्रू किया ना, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि मल्टीपल एलिमेंट्स को हमने एक ही जैसा परफॉर्म करना है, ठीक है, ये है पूरा नाम क्या आपका, ठीक है, ये है वो जमील रहमान, जमील रहमान, ठीक है, अब ये जो तीन डेव्स हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा ही स्टाइल करना है, ठीक है,
जो इसके ऊपर सी एस एस अप्लाई हुई हुई है, ये सी एस एस, ठीक है, ये सी एस एस इन तीनों के लिए वो, ठीक है, तो तीनों के लिए हम इकट्ठा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें आईडी तो नहीं देने की देनी पड़ेगी ना, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, आईडी के थ्रू वो नहीं होगा, आईडी के थ्रू या तो एक ही होगा, एरर आ जाएगा, या एक ही होगा ना, ठीक है, ये किया, ये सिर्फ एक ही हुआ है जो फर्स्ट वाला है, उसने उसको कर दिया, ठीक, हाँ क्लास कर दें इसको, या डिव या एलिमेंट का नाम दे दें, ठीक है, क्लास दे दें, ठीक है, ये एक क्लास है, ये भी क्लास और ये क्लास, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, वही सी एस एस ही है ना, ठीक है। अभी देखो ना यहाँ पे ये अभी कह रहा है कि नॉट फाउंड, क्लास इंट्रोडक्शन नॉट फाउंड, ठीक है, जब इसको सेव करेंगे, ये इस पेज के ऊपर इसको क्लास फाउंड नहीं हुई, ठीक है, वो अलग पेज पे है ना, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर दूँगा, तीनों के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है, समझ आ गई, तो ये तीनों के ऊपर अप्लाई करना है, तो क्लास या डिव का नाम भी लिख सकते हो, डायरेक्टली डिव का नाम लिख दो, अगर कोई और एलिमेंट नहीं है, सिर्फ डिव ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डिव लिख दो। HTML वाले डॉक्यूमेंट में एरर क्यों आ रहा है ये वाला? क्योंकि यहाँ इस पेज के ऊपर, HTML वाले पेज के ऊपर तो इंट्रोडक्शन की क्लास यूज़ नहीं की गई है ना। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यही चीज़ जो है ना कट एंड इसको ख़त्म करके इसी के ऊपर कर लेता हूँ, क्लास आल्ट इंटर क्रिएट रोल डॉट इंट्रोडक्शन इम्पोर्ट स्टाइल शीट, वार्निंग मैसेज है ये, इसका वो कोई इतना वो नहीं है, कह रहे कि इन इन फंक्शन इन इन फाइलों के अंदर आप इसके लिए रूल बनाओ कोई, ठीक है, हमने तो रूल ऑलरेडी बना दिया ना, हमने तो रूल ऑलरेडी बना दी है, ठीक है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन के नाम से हम यहाँ से ये है और ये रूल हमने बना दिए है, ठीक है, ये ठीक है, तो अभी क्या कर, अभी ये तीनों के लिए सेम वो हमने यूज़ किया है, ठीक है, ये हम ख़त्म कर लेते हैं, सेव करते हैं, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे टैग नेम के थ्रू किया हुआ है, ठीक है, वही यहाँ पे स्पीड और कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस भी कॉल हो जाते हैं ना, ठीक है, तो बिल्ट इन मल्टीपल फंक्शन हमने यूज़ करने तो इसके अंदर ही कॉल हो जाते हैं कमाल के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने ये किया हुआ है, ये यहाँ मिली सेकेंड दिया हुआ है 1000 मिली सेकेंड, ठीक है, ये क्लिक किया, अच्छा उसके बाद जो है वो हाइट के बाद है टॉगल का, ठीक है, टॉगल का फंक्शन क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसको मैं आईडी रखता हूँ आईडी, ठीक है, और कॉपी पेस्ट, मैं एक और बटन बनाता हूँ, टॉगल डिव, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ शो डिव मी टॉगल डिव, ठीक है, और इसका नेम भी मैं यही रख लेता हूँ टॉगल डिव, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं टॉगल के लिए बनाऊँगा, इसको मैं ये जो ये वाली है बटन मेरे पास जो है हाई डिव और ये सी एस एस लिखी रहे, ठीक है, और जो सी एस एस के लिए हमने बनाया हुआ था वो सी एस एस के लिए हम यहाँ पे अलग से बनाए थे, ताकि आप लोगों के पास जो भी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ ना वो सारी एक ही जगह पे हो, ठीक है, सारे बटन बना देते हैं कि इस बटन से क्या हो रहा है, इस बटन से क्या हो रहा है, इस बटन से क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये मेक बॉर्डर का है और इसका नाम भी हमने ये रखा हुआ था, और हम कहते हैं यहाँ पे मेक स्टाइल,
ठीक है, स्टाइल किया था हमने, पहले हाइड शो किया था हमने, इस बार स्टाइल किया था, आप टॉगल कर रही हैं, ठीक है। और हाइड के लिए मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया था, हाइड के लिए मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के पास ये चीज़ मौजूद रहे, ठीक है। कॉपी पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक, ये क्लिक इवेंट में हम कर रहे थे ना, क्लिक, ठीक है। इसको सेव नहीं किया, इसको सेव कर रहे हैं, ये मेरे पास क्लिक मी हाइड, हाइड का नहीं कर रखा, हाइड की, अच्छा आईडी ली है ना, और यहाँ पे मैंने आईडी ली है, और यहाँ पे मैंने किसको हाइड करना है वो भी लिखना है ना, यहाँ पे डॉलर साइन इंट्रोडक्शन को हाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आईडी है तो यहाँ पे आईडी ले लें, क्योंकि यहाँ पे मैं हैश साइन यूज़ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आईडी ली है, ठीक है, और हैश साइन सेव किया, अभी भी नहीं हुआ। अभी अगर एरर आपने देखा है तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जे क्वेरी इज नॉट डिफाइंड, आईडी के ऊपर क्लिक करें, ओके, क्या हो गया, आईडीएफ की आईडी नहीं है, तो आईडीएफ की नहीं थी, थी मैंने नहीं, इसमें फंक्शन है, ओके ठीक है, नहीं हार्ड डिव की ये दी हुई थी ना, ये हार्ड डिव इंट्रोडक्शन, हाँ ना, हाई डेव के ऊपर क्लिक करें तो इंट्रोडक्शन वाली डेव हाइड होनी चाहिए, ये हो गया, हाई डेव नहीं हो रहा है, इसका आईडी क्या है, हाई डेव कॉपी और पेस्ट, फंक्शन उसने ही डाला था, हैं फंक्शन ये लिखा हुआ है, बॉर्डर हो गया, मेक बॉर्डर, नहीं डॉलर साइन के बाद फंक्शन ही आना चाहिए था, फिर फंक्शन के अंदर ये डॉलर साइन फंक्शन ये लिखे हुए ना, एक ही बार डिफाइन करना पड़ेगा, हाँ एक ही बार होगा, एक मिनट, इसको मैं सबको ख़त्म करता हूँ, ठीक है, और इसमें से इसको भी सबको ख़त्म करता हूँ, ठीक है, सेव किया, आई डी को क्या हो गया, आई डी बटन,
यहाँ क्लास दी है ना आईडी के में, ठीक है। क्लास दी हाँ उधर भी इंट्रोडक्शन शो किए हुए ना, इसको हाइड करना है, वहाँ शो कर रहा था मैं, ये देखो ना यहाँ पे मैं शो ही कर रहा हूँ, शो ही होना है, उसने हाइड तो नहीं होना है ना। और दूसरी बात यह है कि आईडी को शो करनी है, ठीक है, यहाँ पे हाइड करना है, ठीक है। लेट्स सी, हाइड शो मेक स्टाइल टॉगल, अभी टॉगल जो है ना वो किसको करना है, टॉगल का भी बनाना था हमें, ठीक है ना। हाइड हो रहा है, ठीक है, अब इसको वो हाइड शो सीक्वेंस भी कर लेता हूँ ना, कि पहले हाइड शो हो, ये पहले हाइड हो फिर शो हो, फिर इसके ऊपर बॉर्डर लगे और फिर इसके बाद टॉगल अप करना है, ठीक है। सेव,